एक ब्रिज के पास हमने गुरखा को पार किया है, जस्ट वैसे एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, और यहाँ पे हमें दिखाई दिया एक बहुत ही सुंदर झरना। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए अभी ये गाड़ी धुल रही थी इसके नीचे, अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो चलते इस झरने को भी इंजॉय करते। बाकी वैसे नज़ारा अच्छा है, आसपास की वैली को आप देखेंगे तो है, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। पंचर का डाउट था तो चेबर चेक करा रहे हैं ज्योरी में, एक कील तो निकली छोटी सी। रिफ्यूल कराने के लिए रुके हैं। ये जगह है बडाल, वैसे भी बाहर दिखा रहा था हाफ कट लग गया है, 21 लीटर लगा लिया। इज नॉट ए पेड प्रमोशनल, हम जब भी आते हैं हम बडाल के अंदर एक जगह है वहाँ पे रुकते हैं, बहुत टेस्टी खाना होता है, तो चलिए अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे। यहाँ से ग्लेशियर का भी बड़ा अच्छा व्यू दिख रहा है। तो ये है जी प्लेस, शर्मा भोजनालय के नाम से है। इसका मैं आपको GPS टैगिंग दे दूँगा, आप कभी आए तो रुक सकते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो जी? कैसे हो? भाभी के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे लग रहे हैं भाई? कमाल के। क्या आगे बता रहे हैं कोई जगह है जहाँ पे 3-3 घंटे के लिए रोड को ब्लॉक कर देते हैं, तो अभी 3 बजे बंद होगा, टाइम हो गया 2:25 यानी कि 2:30 मान लीजिए, तो बस अब फटाफट खाना खा के निकल रहे हैं। ये आ गया है जी फेमस पॉइंट, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आजकल रुकती हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, वीडियो होते हैं, ड्रोन शॉट होते हैं। एक तरह से स्पीति वैली के एंट्रेंस का सिंबल पॉइंट बन गया है ये। जस्ट हमने क्रॉस कर लिया है, टाइम अप्रोचिंग 2:50। पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ों से और रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से पीछे एक चेक पोस्ट लगा रखी थी वहाँ पे, बस हम मैं थोड़ा सा बनाना भूल गया, नहीं तो आपको दिखाता, पास में ही है। तो अभी हमने लाइव थोड़ी सी लैंडस्लाइड भी देखा, छोटे छोटे पत्थर आ रहे थे, और ये देखिए यहाँ पे रिपेयर का काम चल रहा है। इस वजह से बस इसी पैच को, छोटा सा पैच जो है, इसी की वजह से यहाँ पर जाम लगता है। अब इन व्हीकल को रोका हुआ है, जो आप आने वाले व्हीकल देख रहे थे। हाँ जी, कहाँ गए सर? हम तो जी इधर से आए हैं नारकंदा से। कहाँ जा रहे हैं? कोशिश तो है कि स्पीति में जितना आगे तक जा पाए। वैसे आगे रास्ता खुला है, बंद है कुछ? नहीं अभी तो, बारिश नहीं हुई है। अच्छा, जिस दिन बारिश होती है उस दिन बंद हो जाता है? चांसेस होते हैं। ये देखिए आपको लाइव स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं, ऊपर से गिर रहे हैं पत्थर, ये देखिए यहाँ से नीचे आ रहे हैं। बारिश शुरू हो गई है, हमने अभी वांगटू क्रॉस किया है, रोड कंडीशन बेटर हुई तो वेदर ख़राब हो गया, देखते हैं अभी आगे का मौसम कैसा रहता है, रोड कंडीशन कैसे रहती है। एक बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर ग्लेशियर का, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो जी ये जगह है टापरी, मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, विंटर स्पीति अगर आप चेक करेंगे तो। बाकी शॉर्ट के अंदर ये है कि अच्छा टाउन है ये, स्टे फैसिलिटी मिल जाएंगी आपको और होटल्स हैं काफ़ी, खाने पीने की अच्छी ऑप्शंस हैं। और खाने से याद आया, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ढाबा है जो आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं अभी, ये पप्पू का ढाबा बोलते हैं इसको, बहुत टेस्टी खाना है और नाइस पर्सन है। अगर आपने नहीं चेक किया तो मेरा एक बार विंटर स्पीति का जाके ब्लॉग चेक कीजिएगा,
आपको वहीं से पता चलेगा कितने नाइस आदमी हैं उन्होंने। मतलब खाना तो रेट जेन्युइन है ही, लास्ट में जब वाटर बॉटल भी गर्म करवाई हमने तो उसकी भी पेमेंट नहीं ली। कहते नहीं जी ये तो भगवान का काम है किसी को पानी पिलाना, गर्म पानी देना। एक बार तो हम क्रॉस कर गए थे, फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं एक बार जाके चाय ज़रूर पियेंगे। लास्ट टाइम इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था कि चाय पी के जाइएगा, तो भाई बनती है यहाँ पे चाय पीनी। तो लास्ट टाइम भी हम यहीं बैठे थे, सेम यही पोजीशन थी, उस टाइम खाना खाया था। आज चाय पियेंगे? चाय बनाओ जी। ये देखिए मैं आपको वैसे पहले पिछले व्लॉग में तो दिखाया था, बट आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ अगर आपने वो ना देखा हो। ये छोटी सी किचन है और नाम बड़ा है। वो कहते हैं ना ऊँची दुकान फीका पकवान, यहाँ पे उल्टा है, छोटी दुकान पर मीठा पकवान। ऐसे पेड़ के नीचे लगा रखा है इन्होंने। तो हम पूछ रहे थे इनसे, तो ये कह रहे हैं कि आगे NH1 पे जाम लगा हुआ है, कहाँ से रास्ता पे किधर से होके जाना पड़ेगा? जहाँ से भैया उर्नी, जहाँ से उर्नी? भैया उर्नी। अच्छा अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि 5 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे का हो गया, सिंगल रोड है, जाम भी लगता है। ये आ गई जी हमारी चाय। तो जी निकल चले हैं वापस अपनी जर्नी पे और देखते हैं अभी आगे कहाँ से डाइवर्जन मिलेगा और रास्ता भी शेयर करूँगा। कह रहे हैं थोड़ा ऑफ रोड सा है तो यहाँ पे रोक दिया जी हमें, सामने नहीं जाने दे रहे। चलिए देखते हैं जी, अब जाना तो है ही। जैसा कि हमें बताया गया था स्टीप इंक्लाइन है। शुरुआत तो होगी है भाई ऑफ रोड की, हालांकि अब इतना ऑफ रोड कर लिया अब ये कुछ ज़्यादा सा लग नहीं रहा है। आगे जो ट्रैफिक है ये काफ़ी धीमा धीमा चल रहा है, ऐसा है नहीं वैसे आपको लिटरली बताऊं रोड के इतना भी धीमा चला जाए। मेरे को तो बहुत अच्छा रोड लग रहा है ये, इसकी वजह से क्या है कि मेरे को भी बहुत छोटे गियर में चलाना पड़ रहा है क्योंकि डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। बैंड है हेयर पिन बिल्कुल, और साथ में है स्टीप 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 इंक्लाइन। अब ये मोड देखिएगा, मैं जाते हुए गाड़ियों को देख रहा था, ये देखिए जी। ओहो, आप एक बार ऊपर जो ट्रैवलर जा रहा है उससे अंदाज़ा लेके देखिए, एक एक बैंड पे काफ़ी इंक्लाइन है। बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है, शानदार रोड बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ खड्डा नाम की चीज़ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है फर्श के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ। और नज़ारे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, वादियाँ काफ़ी अच्छी हैं। एक्चुअली सिंगल रोड है, नहीं तो मैं आपको रोक के ज़रूर एक दो शॉट दिखाता यहाँ पे। फिलहाल आप डैश कैम से ही काम चला लीजिए, आपको दिख रहे होंगे दूर दूर तक के पहाड़, बहुत खूबसूरत रास्ता है। लुक एट दैट, वाइपर चला के आपको दिखाता हूँ। ओहो हो, वाओ, ब्रिलियंट। यहाँ पे स्टक हो गए हैं जी, आगे देखिए जाम लगा हुआ है। अभी एक भैया आ रहे थे पैदल पैदल, वो बता रहे थे कि कम से कम 2 किलोमीटर लंबा जाम है। ये तो जर्नी के पार्ट हैं और ये तो आएंगे भी, और अगर आप इतनी खूबसूरत वादियों में थोड़ी देर के लिए फंस भी जाओ तो बुरा भी नहीं लगता। चारों तरफ तो नहीं कह सकता, एक तरफ ग्लेशियर रेंज है, एक तरफ ग्रीन बेल्ट है, और मज़ेदार हो रहा है मौसम भी, हल्की हल्की बारिश है। बस तेज़ नहीं होनी चाहिए बारिश, तब तक ही मज़ा है। अगर तेज़ हो जाती है तो यहाँ पर फिर पत्थर गिरने लग जाते हैं, दैट्स ऑल। तो चलिए आपको थोड़े व्यू दिखाता हूँ और करते हैं यहाँ पे टाइम पास, मिलते हैं आपसे। ये देखिए जी ये है व्यू। अभी गाड़ियाँ चल पड़ी हैं तो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बाकी आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। वहाँ क्लाउड्स हो रहे हैं, अगर आप राइट जाएंगे तो चितकुल, स्ट्रेट जाएंगे तो स्पीति, हम जा रहे हैं स्ट्रेट। देखते हैं पहले चलते हैं पीओ यानी कि रिकॉन्ग पीओ और वहां से डिसाइड करते हैं कि आगे आज हाल्ट कहां करेंगे। तो ये है वो बैंड जहां से अगर आप लेफ्ट जाओगे यानी कि जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये तो जाएगी रिकॉन्ग पीओ और राइट वाली जाएगी पू स्पीति की तरफ। तो अभी हम उस बैंड से आगे आ गए हैं जो रिकॉन्ग पीओ वाला मैं आपको दिखा रहा था, हम जा रहे हैं पू की तरफ। वहाँ पे कोई रेस्ट हाउस बताया उसको देखते हैं कि कुछ मिलता है क्या, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं उनके कल बेटे का बर्थडे है तो वो चले गए हैं गांव, तो अब ऊपर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। रिकॉन्ग पीओ की मार्केट मैंने आपको ऑलरेडी स्पीति विंटर स्पीति में दिखा दी थी,
तो चल के देखते हैं रास्ते के अंदर, अगर कहीं और होम स्टे मिल जाता है तो वहाँ रुकेंगे, बाकी जो भी जर्नी होगा एक बार शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं, मौसम ख़राब होता जा रहा है, मैं आपको मौसम का और आसपास का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी। ये देखिए जी, ऊपर बादल देख रहे हैं, ओहो बिल्कुल ब्लैक बादल हो रहे हैं। कल का मौसम साफ रहे यार। ये देखिए नदी, बहुत सुंदर नज़ारा आ रहा है। ओह वहाँ पर देखिए दूर, वहाँ पर ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। तो जी ये थोड़ा सा आगे निकलते हमें बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला, मैं आपको भी दिखाता हूँ। वो वहाँ आगे से आ रहा है, लुक एट द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्लेशियर्स। ओहो हो, कमाल का नज़ारा है। तो फाइनली रूम ले लिया है, जगह का नाम है स्टीबा ऐसे कुछ है, स्टीबा मान के चलिए। यहाँ से जो अखबा है वो 2-4 किलोमीटर ही है, और रूम तो ठीक ठाक है, अभी आपको रूम विज़िट भी करा देंगे। और मेन बात है कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो खाने वगैरह का है मेरे को ठीक लग रहा है यहाँ पे। तो सारे दिन की थकान हो रही है और अब चाह रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्स भी होएं और अच्छा खाना भी खाएं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रहेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रूम ले लिया। स्पिलो है यहाँ से 16 किलोमीटर, वे पॉइंट के लिए बताऊँ, बाकी मैं स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल डाल दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कभी आप आएँ और रुकना चाहें तो। रूम रेंट है यहाँ पे 1500 रुपीज़। तो पहले चाय पीते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग।